नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मांडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ। तो उसको आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैंने रोज़ ही मैंने परफॉर्मेंस वाला वीडियो मैंने देता हूँ, तो वो आज के लिए मैंने बनाता हूँ, तो बनाऊँगा। तो इसीलिए आप लोग को ये वीडियो पूरा देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और इसमें से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये एक्सेल फाइल कैसे काम करता है, बाइसेल लेवल कैसे काम करता है, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, वो भी आप लोग को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा, ताकि आप लोग इसको लाइव मार्केट में अच्छी तरह से यूटिलाइज करके श्योर प्रॉफिट कमा सकता है। तो आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा देखिए और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन के ऊपर प्रेडिक्शन करता हूँ और बाय सेल लेवल देके मैंने बाय सेल लेवल को स्क्रीन करके मैंने बाय सेल लेवल इक्विटी स्टॉक्स का बाय सेल लेवल देता हूँ, कमोडिटी और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग को बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, चार्ट का सेटअप जो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है और कैसे सेफ एंट्री ले सकता है, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए आप लोग को वीडियो में मिल जा मेरा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं, देखिए मैंने कल रात में जो फाइल शेयर किया था एंड ऑफ द डाटा लेके, तो उसके बाद मैंने इधर बाय सेल लेवल 3 एंड बाय सेल लेवल कम स्किनर हैज बीन अपडेटेड फॉर इक्विटी फ्यूचर्स ऑप्शन निफ्टी एंड बैंक सभी में मैंने कॉल इसमें कॉल दिया था और कुछ मैंने रिकमेंडेशन मैंने खुद रखा था मैंने खुद स्क्रीनिंग करके, तो वो भी आप लोग ऐसे करके मैंने कॉल देता हूँ। तो उसके बाद मैंने लाइव मार्केट में भी शेयर किया हूँ और उसके बाद फिर कमोडिटी अपडेट करके बाद ये भी दिया हूँ। तो उसको मैंने कैसे परफॉर्म किया है वो मैंने ये फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया कल रात में, जो मैंने शेयर किया था उस फाइल को मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद करेंट डाटा मैंने इधर दे दिया और उसके बाद फार्मूला देखे कैसे मैंने मतलब बाई या सेल लेवल आया क्या नहीं आया है और बाई सेल लेवल आया तो कितना प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ इधर शो करेगा। इधर आप लोग फार्मूला दे सकता है, ये डीजी जो कॉलम है ये करेंट हाई है और इधर जो वाई का एंट्री लेवल है F4 तो वो इसका करेंट हाई वाई एंट्री का एबअप हुआ है मतलब ये इसमें प्रॉफिट हुआ है, ऐसे करके सेल साइड का भी फार्मूला दिया हूँ। DH का कॉलम और मेरा जो सेल का एंट्री कॉलम M इसमें ऐसे करके फार्मूला दिया है, ये दोनों में भी आप लोग ऐसे करके फार्मूला दिया है, मैं बाई अप ट्रेंड सेल अप ट्रेंड बाई डाउन ट्रेंड इसमें भी ऐसे करके मैंने फार्मूला लगाया। तो मैंने आप लोग को ब्रीफली आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, क्या क्या लेवल्स रहता है, किस में कैसे इसको स्क्रीनिंग करता है, वो सब आप लोग देख लीजिए। मैंने इंसर्ट बोल रहा हूँ, इसमें मैंने जो दो फाइल शेयर करता हूँ बाय सेल लेवल कम स्किनर और बाय सेल लेवल 3, तो मैंने ये दोनों फाइल मैंने शेयर करता हूँ। तो इसमें बाय सेल लेवल कम स्किनर में आप लोग को तीनों लेवल मिलेगा, बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3। ये एंड ऑफ द डे डाटा लेके आप लोग तीनों लेवल में ही काम कर सकता है, बाय सेल लेवल 1 में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है और इसमें बहुत सारा स्किनर भी रहता है, स्क्रीनिंग का चीज़ मतलब वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कुछ EMA का क्रॉसओवर और प्रोबेबिलिटी, बोलिंजर बैंड, BWAP प्राइस चैनल, इसमोको क्लाउड, ये सब देख के आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनिंग का ले सकता है। ये आप लोग देख सकता है कैसे कैसे लगा है, तो ये देख के आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनिंग भी कर ले सकता है। वैसे कम स्किनर में 2 में मैंने
इसमें बाई सेल लेवल थ्री को रखा है, और अप ट्रेंड बाई सेल लेवल थ्री में अप ट्रेंड का बाई सेल लेवल रखा हूँ, और डाउन ट्रेंड का भी डाउन बाई सेल लेवल रखा हूँ, क्योंकि अप ट्रेंड ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे पकड़ना है, डाउन ट्रेंड ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे पकड़ना है, डाउन ट्रेंड से नीचे और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे पकड़ना है, और इसको कौन सा लेवल पे है, करेंट मार्केट प्राइस कौन सा लेवल पे है वो भी इधर से आप लोग को दिख जाएगा। इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है, इधर 530 का एमए क्रॉस ओवर रहता है, और इधर और भी कुछ एमए मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर इधर दिया हुआ है, ये अभी आप लोग देखे आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं। और बाइसल लेवल थ्री में मेरा वही अप ट्रेंड का बाइसल लेवल डाउन ट्रेंड का बाइसल लेवल रहता है, इधर कुछ स्किनर 534 का मूविंग एवरेज लगाया हूँ, और इधर प्रीवियस क्लोज का हिसाब से प्रीवियस क्लोज का करेंट हाई और प्रीवियस क्लोज करेंट लो, प्रीवियस क्लोज करेंट क्लोज प्रीवियस क्लोज ये देखे मैंने कुछ स्क्रीनिंग भी कर दे सकता है। तो ये सब आप लोग चीज़ आप लोग देख ले सकते हैं, इसका देखे मैंने परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखा था। सोच लीजिए कोई ए सी सीमेंट देखिए 1521 हाई हुआ है, इधर सेल इधर अप ट्रेंड का सेल साइड में दिखा रहा है, अप ट्रेंड का सेल और डाउन ट्रेंड का भी सेल बाई साइड में दिखा रहा है, तो अप ट्रेंड को सेल साइड में ही दिखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ट्रेंड एक बार अप ट्रेंड में जब एक बार पकड़ लेता है कोई, आप लोग स्क्रीनिंग करके जब अप ट्रेंड निकलेगा ऑनली अप ट्रेंड का बाई साइड सेल लेवल देखेंगे, डाउन ट्रेंड का कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि तो आप लोग को मिसमैच हो जाएगा। तो 1493 में देखिए इसका सेल लेवल था, और इधर लो हुआ है, इधर लो हुआ है 1488, इधर देखते हैं एसीसी का देखिए चार्ट में, इधर 1512 में ओपन हुआ था, 1521 हाई गया, इधर देखिए ये ऊपर गया था पहले, इसके बाद ये नीचे आया था थ्री का, तो ऐसे लेवल वन यूज़ करते थे। तो देखिए मैं ये अप और डाउन ट्रेंड बोथ साइड में दिखा रहा है, तो देखते हैं अप ट्रेंड में कैसे आप लोग एंट्री ले सकते थे, 1505 उसके बाद 1509 उसके बाद देखिए 1512 के ओपन होने के बाद ये 1521 तक गया है, तो इधर आप लोग 1512 के ऊपर एंट्री लेते थे तो इधर 1521 तक आप लोग को प्रॉफिट आता था। और सेल साइड में इधर 1496 के नीचे इसका सेल लेवल था, 1498 जो 1488 ये लो हुआ है, तो उधर आप लोग को प्रॉफिट हो सकता था। तो ऐसे आप लोग और भी स्टॉक्स देखते हैं, मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था उसका कैसा पोजीशन है वो देख लेते हैं एक बार। ये मेरा रिकमेंडेशन बाई साइड रिकमेंडेशन था, बैंक बड़ौदा डीएलएफ आरबीएल बैंक उज्जीवन, मैंने डीएलएफ आरबीएल बैंक उज्जीवन देखने का कोशिश करता हूँ, डीएलएफ देखिए ये बाई साइड में दिया था, तो बाई साइड में जब देखेंगे तो बाई साइड अप ट्रेंड का बाई और सेल लेवल देखना है, डाउन ट्रेंड का कुछ भी देखना है नहीं है। तो ये 222 हाई हुआ है बाई सेल लेवल थ्री में, 222 मैं तो इधर 219 से सेल लेवल था, और इधर 219.71 से सेल लेवल था, और इधर इधर हाई इधर 217.70 ये 219.70 से इसका सेल लेवल था, और 217.70 इसका लो हुआ है अप ट्रेंड का सेल लेवल। तो इधर आप लोग अप ट्रेंड का सेल लेवल आप लोग इधर से देख लेते हैं, इधर डी एल एफ ओपन होने के बाद आप लोग को मतलब बाई सेल वन यूज़ करते थे, बाई सेल लेवल वन यूज़ करते थे तो उधर कैसा होता था, उधर देखिए इधर बाई और सेल लेवल दोनों आया था, उधर बाई सेल इधर बाई लेवल किसने में था, इधर बाई लेवल था देखिए इधर बाई लेवल था 221.17 और 222 तक गया था, 222.90 तक गया था, उसके बाद अब ये इसका सेल लेवल भी आया था 219 से सेल लेवल भी आया था और 217 तक नीचे आया था। उसके बाद मैंने देखिए आरबीएल बैंक को देखते हैं,
आरबीएल बैंक मैंने एक दो दिखा देता हूँ तो, ताकि नहीं तो सब नहीं कवर पाऊँगा, और भी चीज़ दिखाने का इरादा है। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक, आर